हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। अब दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 10th। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। चार्ट में क्या है? सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जब मैं क्लास लेता हूं तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है सर, व्हाट इज द यूज ऑफ सर? तो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन लाइफ अराउंड अस। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है लाइफ में, हमारे चारों तरफ है। ठीक है, कैसे है ये भी जान सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सब्जेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री जो है एंशियंट सब्जेक्ट है, स्टडीड बाय स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बाय स्कॉलर्स द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये पढ़ी जाती है। इसका मेनली यूज क्या होता है, करने का मतलब एक एक्टिविटी चैप्टर का नाम है, तो यूज क्यों हो रहा है, क्या जरूरत होती है इसकी? तो जरूरत यही है कि इट वॉज इन्वेंटेड बिकॉज इट नीड्स अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, उसके लिए टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द अदर प्लैनेट्स, इन गैलेक्सीज जो भी है इनका यूज किया जाता है। कैसे क्या करते हैं? एंड स्टार्स, यानी कि अर्थ से प्लैनेट्स की, मतलब और भी सैटेलाइट्स हैं, और भी प्लैनेट्स, उनकी डिस्टेंस क्या है अर्थ से, और प्लैनेट डिस्टेंस क्या है, स्टार्स की डिस्टेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी में इसका यूज होता है। ध्यान रखिएगा कितने डिग्री पे। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड नेविगेशन। ज्योग्राफी एंड नेविगेशन, इट्स नॉलेज इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स डिटरमाइन इन पोजिशंस। जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं तो ज्योग्राफी में इसका यूज होता है, क्या डिग्री का एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें हैं इसका यूज। सीधे से समझ ले कि जैसे मान लीजिए कि इसमें मेन चीज क्या होता है, हम यहां पे हैं कोई चीज या कोई यहां पे है, तो अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना, हमें मालूम है कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इतने हाइट पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो सकती है? अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी कैन फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर पता है, बस हमें पता कर लें कि ये एंगल कितने का बना, इसके और ये बीच में जो एंगल है ये एंगल कितने का बना, बस उसके हिसाब से पता कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन अब आपके बारे में जानना है कि आखिर ये एंगल होता है, तो दो चीज जानी, या तो कोई चीज ऊपर होगी तो नीचे देखेंगे उसको, या नीचे से ऊपर देखेंगे, तो दो ही चीज इसमें होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने बताया आपको ना कि इसका यूज हमारे ऑल लाइफ में ऑल अराउंड अस होता है। इसका यूज हम इसे अर्थ से इस स्टार की डिस्टेंस कितनी है, इस प्लैनेट की डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए यूज करते हैं। ज्योग्राफी में भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का भी यूज होता है, इसी का यूज करते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन आईलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, किसी आईलैंड का पोजिशन क्या करना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब ज्योग्राफी जो पढ़े हैं अभी, तो जो नहीं जानते हो कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जानते जाएंगे इसका यूज क्या। मेनली यूज ये है कि अगर कोई टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो कुछ डिस्टेंस पे टावर खड़े हो तो वहां जो एंगल बन जाए उसके टॉप का, तो ये एंगल ऑफ दो चीज का यूज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब इतना जानिए नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है अपसाइड। जैसे ये कोई चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई टावर है,
इसमें एक जाने का चाहे वॉल हो चाहे टावर हो चाहे जो भी उसका ओरिजिनल प्लान है बस उसको परपेंडिकुलर कर जाएंगे, वॉल हो तो भी उसको परपेंडिकुलर मानेंगे, टावर है वो भी परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है, पोल है तो परपेंडिकुलर होगा ही। और यहां पे कोई पॉइंट है इससे कुछ डिस्टेंस की, यहां पे कोई पॉइंट है तो अब यहां से अगर इसका एंगल देखा जाए ये एंगल, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए कि ये कोई टावर है तो यहां पे कोई बैठा डांस कर रहा है, यहां पे कोई बैठ के अगर डांस कर रहा है उसने यहां पे ऑब्जर्व किया तो ये एंगल नहीं, अब इसके पैरेलल इस जमीन के पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल यहां है लाइन जाएगी, तब ये एंगल जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब डिप्रेशन तब कहां देखते हैं, नीचे देखते हैं, डिप्रेशन नीचे देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है। तो अब इसमें गलतियां क्या करता है बच्चा, वो इस एंगल को समझता है, ये एंगल नहीं, ये जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल नहीं, ये जो ग्राउंड लेवल है जो प्लेन ग्राउंड लेवल है इसके पैरेलल यहां कोई लाइन ड्रा करेंगे आप, फिर ये जो एंगल बनेगा उससे, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ग्राउंड प्लस ये, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्यों, रिकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जैसे ये और ये अगर पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, ज्यादा कुछ जानने के लिए है ही नहीं, बस इसमें दो चीज जानना है, पहली चीज जानना है कि हमने जो बताया कि यक में यूज क्या होता है इसका, क्यों यूज होता है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज ही क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस का यूज हमारे ऑल अराउंड में है, हमें अगर कितने डिग्री पे उसको घुमा दिया जाए तो हाइट कितनी किया जाए, तो टोटली ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें होता है, इसका यूज हमें डिस्टेंस फाइंड करने में, जैसे स्टार से अर्थ से स्टार की डिस्टेंस क्या है, अर्थ से प्लैनेट्स के अंदर डिस्टेंस क्या है उसके लिए यूज करते हैं, ज्योग्राफी में भी हम कोई आईलैंड है वहां से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो सिस्टम है, तो ये सारी चीजों का यूज इसमें होता है, ठीक है ना, तो वेल नॉलेज अबाउट दैट, आपका नॉलेज इसमें अच्छा होना चाहिए। तो मेन इसकी शुरुआत होती है कि एक एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनता है और एक एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनता है विद द ग्राउंड वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है इसमें गलतियां बच्चा क्या करता है वो ये एंगल बनाता है, जो कि ये नहीं ये बनेगा, इसके पैरेलल यहां एंगल बनेगा, यहां लाइन जाएगी, और फिर जो ये एंगल बनेगा यानी अगर यहां कोई ऑब्जर्वर है तो ऐसे सीधे देख रहा है, एक सीधी लाइन गई फिर यहां देखेगा, तो इनके बीच जो ये एंगल हुआ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, कुछ होता नहीं इसमें, प्रचलते बहुत ही इजी होता है। अब इसमें करना क्या होता है ध्यान रखिएगा, जैसे समझिए बेटा ये कोई परपेंडिकुलर पोल है चाहे जो भी है, देखिए तो अगर ये देखा गया ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके पहले अगर यहां से ड्रा हो गया ये, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो बेटा भाई जाहिर बात है राइट ट्राइंगल हुआ तो इसमें एक होता है पी, एक होता है पी, एक होता है एच, अगर ये एंगल है तो ये पी हो गया, ये एंगल लेंगे तो ये पी हो जाएगा, तब पी पी एच। अगर मान लीजिए इसमें पी दिया है एच फाइंड करना है तो पी और एच का सोल्यूशन किससे होता है रिलेशन साइन से होता है, बी दिया है एच फाइंड करना है कॉस, पी और बी का रिलेशन दिखाना है तो टैन, तो जनरली हम साइन कॉस और टैन ही लेते हैं। अगर हाइपोटेनस इन्वॉल्व है जब काइट वगैरह क्वेश्चन आता है तो हमें हाइपोटेनस इन्वॉल्व होता है, अगर केवल परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है तो केवल टैन लेते हैं, टैन लेंगे कॉट लेंगे, लेकिन जनरली हम साइन कॉस टैन ही लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहां भी हम जब क्वेश्चन लगाए कुछ दिला लीजिए, बस आपको इतना जानना है कि अगर ये कोई टावर है कोई पोल है कोई बिल्डिंग है कोई कुछ भी है
तो वो हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी, स्ट्रेट मानी जाएगी, और वहां से कुछ डिस्टेंस पे उसके फुट से जाकर डिस्टेंस होगी। तो अगर किसी पॉइंट से ऊपर उसके टॉप पे देखा जा रहा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर उस टावर के टॉप से इसके ग्राउंड से ग्राउंड पे कहीं कुछ दूरी पे किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन। ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब फिगर बन जाता है, क्योंकि चेक करने वाला सिर्फ फिगर को देखता जाता है, अगर आपका कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक भी है, अगर फिगर आपने सही बनाया है, फ्यू मिस्टेक्स है, तो आई होप वो टीचर बहुत अच्छा होगा जो नंबर दे देगा, क्योंकि उसमें नंबर मिलेगा, क्योंकि फिगर पे डिपेंड है, हाइट एंड डिस्टेंस टोटली डिपेंड ऑन द फिगर। इफ यू हैव टू ड्रा अ बेस्ट फिगर और फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन सही लगेगा। कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो सकती है, 3 या 6 हो सकता है, बस 9 या 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिगर आपने सही बनाया तो टीचर फिगर का ऑब्जर्व करता है, बच्चे ने फिगर सही बनाया, हो सकता है कुछ जल्दबाजी कर दिया। लेकिन अगर फिगर गलत है, आपने भले कैलकुलेशन सही कर लिया, अब फिगर गलत है तो नंबर नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो फिगर सही बनाने के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, पढ़ने के बाद फिगर बनाइए तब क्वेश्चन लगाइए कि क्या पूछ रहा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर जाए, बात टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है, यहां से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो नीचे से ऊपर तरफ देखा जा रहा है, तो माइंड सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर रहेगा क्वेश्चन भी नहीं लगेगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, और इस लाइन को कहते हैं, ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के आंख से जो एंगल बन रहा है किसी टॉपिक, जो लाइन ये जा रही है, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो एंगल क्रिएट करता है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो लाइन एंगल ऑफ साइट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, वो एंगल ऑफ साइट, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि अ लाइडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, अ लाइडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। देखिए हम बताते हैं, लैडर है तो आपको जाहिर बात है वॉल से ही लगी होगी, विद द ग्राउंड वेल प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक क्वेश्चन है, एक लैडर है, ये वॉल है और ये लैडर है। हम अगर इसको फिगर ऐसे बना लें थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, ये लैडर है जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे। आप क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं कि अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये डिस्टेंस क्या दिया है, 2 मीटर। मान लीजिए ए बी वॉल है और ए सी लैडर, तो इसकी आप लोग सोचेंगे कि सर डिस्टेंस यहां से यहां से, अरे भाई यही से डिस्टेंस मार है, ठीक है, ये ऐसे कर। तो ये जो लैडर है इस वॉल के फुट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। अब लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करना है। अ लैडर मेक एन एंगल 60 डिग्री, अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके। क्वेश्चन ये है, व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, ओके, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पे, तो लैडर की डिस्टेंस बता दीजिए। मान लीजिए एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी वॉल, ए बी क्या है, ए सी क्या है, लैडर, ए सी क्या है बेटा, लैडर। अब उसके बाद क्या है, BC इज इक्वल टू 2 मीटर, BC इसकी डिस्टेंस दिया। तो अब मैंने आपसे अभी बताया था कि ये एंगल है, तो ये एक राइट ट्राइंगल हुआ, तो इसके सामने की साइड ये P हो गया, ये एडजेसेंट साइड B हो गया, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। तो अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस, दिया है बेस, तो क्या निकालेंगे, cos 60 इन ट्राइंगल ABC, cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC,
cos 61 by 2 होता है, BC 2 है, AC x है, x is equal to क्या हो जाएगा 2 into 2, x is equal to 4 meter, यानी लैडर की लेंथ क्या हो गई। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, टेक ए बी बी वॉल एंड ए सी बी लैडर अगेंस्ट द वॉल, बी सी डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टू द लैडर 2 मीटर। ये सारी चीज लिखने के बाद आप क्वेश्चन बस ये देखना है कि क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हुआ, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो बी और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें होता है, कॉस में होता है। तो दीज आर द नॉलेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। आपसे यही उम्मीद करता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।